Good morning, class 5th. We are going to start our first chapter in SST, that is the imaginary lines. First, I am going to read the stanza, then after I will explain the lesson. Okay? So, open your book and look at page number 1. The first lesson is the imaginary lines. Have you heard about the imaginary? The word imagine. You know very well what is imagine. Imagine means kalpana, or imaginary means kalpanik. Okay? Kalpana. Kalpanik kya hota hai? Jo hum sochte hain ki aisa hai, par hota nahi. Wo exist nahi karta. Uska astitva nahi hota. Bas uske astitva ko hum swikarte hain. Hum mante hain, hum sochte hain. Jise aapko kuch kalpana karte hain, kehte hain kaash aisa hota. ऐसा वही कल्पना, पर यहाँ पे इस ज्योग्राफी में हम क्या क्या देखेंगे उसको कि वो एक कुछ लाइंस, कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे हम अपना स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में, उन्हीं को बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस। जो वर्ड मैंने बताया है इमेजिनरी और इमेजिन, वो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया कि कल्पना करना, सोचना कि ऐसा होता, पर वैसा होता नहीं, उसी को हम कल्पना बोलते हैं। कल्पना मतलब सोच में रहना, सोचना उसको, पर उसका रियल में कोई अस्तित्व सच में उसका होना नहीं होता है। सच में उसका अस्तित्व या वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर वो कल्पना में हम उसको मानते हैं, और उसी के हिसाब से जो इमेजिनरी लाइंस है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइंस वो लाइंस है जो हम ज्योग्राफी में अपने अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए उनको पढ़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो रेखाएं हमारे अर्थ में हैं। So, let's start. The Earth's surface is made up of large land masses known as continents, water bodies, known as oceans and seas. जो Earth का surface है, आप globe देखे होंगे तो आपको blue part ज़्यादा दिखता होगा। वो क्या है? वो पूरा जो blue part है, वो water है, water bodies है सारी। और जो उसमें आपको जहाँ-जहाँ land part दिखता है, उस land part को हम continents में divide किए हुए हैं। उसमें एक कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें हमारा कंट्री इंडिया है। मींस पूरे अर्थ को हम डिवाइड किसमें कर दिए? वाटर बॉडीज और लैंड पार्ट, दो में है अर्थ। तो जो लैंड पार्ट है उसको हम सेवन पार्ट, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है उनमें डिवाइड कर दिए, और जो वाटर बॉडीज है वो सीज और ओशियंस में हो गया। क्योंकि उतने बड़े लैंड पार्ट में कॉन्टिनेंट्स हो गए, और कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़े हो गए, तो उनको हम कंट्रीज में डिवाइड कर दिए। उसी तरह से जो एक हमारा कंटिनेंट, आप सारे कंटिनेंट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारा भी कंट्री इंडिया जो है वो किस कंटिनेंट में आता है। और छोटे छोटे आइलैंड भी हैं हमारे अर्थ पे, जिसको हम क्या, जो चारों तरफ से जो वाटर बॉडीज, मतलब वाटर से घिरे रहते हैं। अब इस पे जो हमारे अर्थ के लाइंस पूछे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। जैसे ग्लोब अगर आप हम देखें, अभी मैं आपको ग्लोब भी दिखाऊंगा, ये देखिए ग्लोब है, अगर ये हमारी अर्थ है, तो पहले तो एक रेखा जो इक्वेटर है, जो कि इसको टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, टू पार्ट में डिवाइड करती है। उसके बाद इसके सिमिलर कई रेखाएं हम कल, ये भी काल्पनिक है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, पर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, तो ये ईस्ट टू वेस्ट करके नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड करती है इक्वेटर। और इसी की तरफ और बहुत सारी लाइंस हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, जिनकी दूरी हम इससे नापते हैं कि हमारे इक्वेटर से इतना दूर होगा। लैटिट्यूड्स और इमेजिनरी सर्कल, अब ये क्योंकि ग्लोब पूरा 3D में रह देंगे तो पूरा होगा ना, तो ये लाइन जैसे सामने दिख रही है पीछे भी होगी, तो ये ऑलरेडी एक सर्कल बना रही है, तो ये इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के चारों तरफ है, जो एक सर्कल में है। ईस्ट टू वेस्ट ऑफ ग्लोब, ईस्ट टू वेस्ट, क्या है ये? वेस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट ऑफ ग्लोब, ये है आपके वन सच इमेजिनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड ही है, क्योंकि ये भी ईस्ट से
और जैसे ये है पैरेलल चलती रहती है इसके, पैरेलल में जो साथ साथ चले पर कहीं टच ना करे उसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल। जैसे सड़क का किनारा, नदी का किनारा, वो क्या है पैरेलल है, एक साथ चलने वाले पर कहीं टच नहीं करते हैं। ये तो ये पैरेलल के पैरेलल है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आर मेजर्ड विद द यूनिट डिग्री, इसको हम जब नापते हैं तो डिग्री में नापते हैं। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसका लैटिट्यूड कितना है 0 डिग्री, एंड पोल्स एंड नॉर्थ आर 90 90। ये नॉर्थ पोल है, देखिए आप ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। जो जो अक्षांश से ये देखा जाना चाहिए ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या बनाए 90 डिग्री, यू नो ना दिस दिस एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो अगर ये रेखा यहाँ से गई है ऐसे तो ये हमारा पोल है, तो यहाँ से जो जा रही है ये 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। द पैरेलल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लेबल्ड 10 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ, so all in the order of hand the parallel is southern, there are 181 latitudes in all। ये इस counting में कितनी है 181, equator at 0 degree 90 degree latitudes for 1 to 90 northern hemisphere, यहाँ से 90 और एक ये 181। is that clear? any problem? if have any problem ask me in doubt session, okay? if have any problem to understand this ask me in doubt session. This is I summarize it. This is latitude, this is parallel to equator, ये equator के parallel है और ये जहाँ पे दोनों poles पे ये 90 degree पे इसको measure करते हैं, जो हमारे equator है वो 0 degree यहीं से start होता है इसको measure करना, इसलिए 0 degree है और यहाँ से 90 degree इधर और 90 lines हम इधर imagine करते हैं और 90 lines इधर, तो 90 90 180 और एक बार ये 181 latitudes होते हैं। Is that clear? What is